الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, आज रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन है, लिहाजा हमें मुस्तहज़र कर लेना चाहिए, अपने जहनों में ताज़ा कर लेना चाहिए कि इस माह मुबारक की क्या फजीलत है और रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कितना महबूब है और रोज़े के आदाब क्या हैं। ये अगर हम आज ही से याद रखेंगे और उन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तआला ये माह मुबारक हमारे लिए खैर बरकत साबित होगा, वरना तो दिन बहुत जल्दी गुजर जाते हैं और हमें कुछ हासिल नहीं होता है। हमारी उम्र ऐसे ही बीत रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये एक हकीकत है जो हर शख्स समझता है कि उसकी ज़िंदगी किस कदर जल्दी से गुज़र रही है, बर्फ़ की सिल है जो पिघल रही है। तो रोज़ा अल्लाह तबारक व ताला का फरीज़ा है, जिसके बारे में कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, ये खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, फरमाते हैं, मोमिन जब तू कुरान में सुने ऐ ईमान वालों, तो अपने कानों को मुतवज्जह कर ले, सरापा कान बन जा, क्योंकि तुझे ही खिताब कर रहा अल्लाह तबारक व ताला, ऐ ईमान वालों, प्यार का खिताब है। कोई हुक्म अल्लाह ताला देगा या किसी चीज से मना फरमाएगा, तेरी कामयाबी की बात अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमाएगा। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, ऐ ईमान वाले। अब हमें अपने आप के गरीबान में झांकना चाहिए कि ये खिताब हमसे है कि नहीं है, हम इस जुमरे में शामिल हैं कि नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, फर्ज है, इख्तियारी नहीं है कि जिसका दिल चाहे रखे, जब चाहे रखे, जिसका दिल चाहे ना रखे, ये नहीं है। रोजों का मामला फर्ज की तरीके से, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरीके से पहले की उम्मतों पर फर्ज किए थे अल्लाह तबारक व तआला, इससे आसान बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम पहली उम्मत नहीं हो जिनको ये फरीजा दिया जा रहा है, बल्कि उनसे पहले कौमों पर ये चीज फर्ज थी, ये आम है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो जब मालूम होता है कि
ये चीज तो और भी लोगों पर आई थी, हमसे पहले की कौमें भी इस पर मामूर थी, तो फिर आसान हो जाता है। फिर फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, इसका मकसद क्या है? भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं है, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, पाकीजगी पैदा हो, अल्लाह ताला की रजा का ख्याल रखने का मिजाज तुम्हारा बन जाए, तकवा तुम्हारे अंदर आ जाए। लअल्लकुम तत्तकून, तकवा क्या है? तकवा सारी कामयाबियों की जड़ है। अल्लाह ताला ने तकवे पर सारे वादे फरमाए हैं, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, अल्लाह ताला उनके साथ है जो तकवे वाले हैं और जो अच्छा काम करते हैं। इन्ना लिल्मुत्तकीना मफाज़ा, तकवे वालों के लिए कामयाबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, वो तुम्हारी मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के फरमा बरदार रहो। वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, तकवे पर अल्लाह ने वादे फरमाए कि इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम अल्लाह ताला का पासो लिहाज रखने वाले बनोगे, अल्लाह की रजा का ख्याल करने वाले बनोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें शऊर दे देगा फर्क उतरने का, हक और बातिल में, गलत और सही में। यजअल लकुम फुरकाना वयुकफिर अनकुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देगा, वयगफिर लकुम और तुम्हें बख्श देगा अल्लाह तबारक, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। तो तकवा बड़ी सिफत है जो जान है, दीन की जान है और असास है। अल्लाह तबारक व ताला ने तकवा को अहम सिफत करार दिया है ईमान की। हुदल लिल मुत्तकीन, पहली जो आयत है सूरह बकरा की, कुरान मजीद से हिदायत किसको मिलेगी? लिल मुत्तकीन, तकवे वालों को मिलेगी। तो तकवा अगर नहीं होगा तो कुरान भी फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। ईमान, ईमान की हकीकत नहीं पा सकेगा इंसान तकवा। तकवा होता है तो फूंक फूंक कर कदम रखता है बंदा। ला यबलुगुल अब्दु अन यकूना मिनल मुत्तकीन हत्ता यदअ मा ला बअसा बिही हदरन मिम्मा बिही बअसुन, फरमाया कि मुत्तकी नहीं हो सकता यहां तक के जिसमें कोई हरज नहीं है वो काम भी छोड़ दे डर से कि कहीं उसमें मुब्तला ना हो जाए जिसमें अल्लाह की नाराजगी, जो मेरे लिए जायज ना हो। तो मकरूह को भी छोड़ दें, कुछ खिलाफे अफजल जो बात अफजल नहीं है अगर तो जायज है उसको भी छोड़ दें, ऐसा होता है। तकवे का मामला बहुत आला होता है, मिजाज हो जाता है इंसान का, एक सांचा बन जाता है जिसमें दिलो दिमाग ढल जाता है इंसान का। तो अल्लाह ताला रोजे से यही पैदा करना चाहता है, लअल्लकुम तत्तकून। तो इस बात को हमें मद्देनजर रखना है कि तकवा असल मकसूद है रोजे से, तो ये पैदा करना चाहिए। अगर ये हमारे अंदर आएगा रोजों की बरकत से, तो फिर हमारे लिए सारी कामयाबी है, वरना तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वईद की बात फरमाई है कि मल्लम यदा कौल जूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, जो बुरी बातें करना ना छोड़े और बुरे अमल ना छोड़े, गलत अमल और गलत बातें करना ना छोड़े, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि खाना पीना छोड़ दे। ये एक सोचने की बात है कि हम लोग जायज़ काम छोड़ देते हैं, खाना पीना ख्वाहिशात, और रोजे की यही सिफत अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कहता है कि असौमु ली व नाजसी ली, रोजा मेरे लिए है मैं ही इसका बदला दूंगा। यदा उतआमहु शराबहु मिन अजली, वो अपना खाना पीना अपनी ख्वाहिशात मेरे लिए छोड़ देता है, अल्लाह इतना खुश होता है कि इसका बदला तो मैं ही दूंगा आखिरत में। तुम समझ नहीं सकते दुनिया में कि क्या बदला मिलेगा। तो एक सोचने की बात यह है कि हमने जायज काम छोड़ दिए, अपनी महबूब तरीन चीज छोड़ दी, तो जो नाजायज है वो तो बदरजा औला छोड़ना चाहिए। गीबत है, झूठ है, खयानत है, मिलावट है, धोखाधड़ी है, सूद है, रिश्वत है,
जुल्म ज्यादती है, माँ बाप को सताना है, रिश्तेदारों के साथ बुरा सुलूक करना है, तो ये चीजें तो बदरजा औला छोड़ना चाहिए, जो नाजायज है तो रोजे में तो बदरजा औला वो नाजायज होंगी। तो अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर फरमाया एक हदीस में, रुब्बा साइम लैस लहु मिन सियामिही इल्ला अल्जू, ये बहुत सारे रोजेदार ऐसे हैं कि उनको भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता, व रुब्बा काइम लैस लहु मिन कियामी इल्ला सहर, बहुत सारे रात की इबादत गुजार है कि रात में जागने के अलावा उनको कुछ नसीब नहीं होता। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर तुम्हारा रोजा हो तो तुम्हारा कान भी रोजे से रहे, तुम्हारी जबान भी रोजे से रहे, तुम्हारी आंख भी रोजे से रहे, आंख ये गैर महरम पर ना पड़े, गलत जगह पर ना देखे, बुरी बात ना सुने, बुरी बात ना बोले, तो रोजे के ये आदाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला रोजा हमारे लिए, रोजा हमारे लिए मगफरत का सबब बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद में उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। और क्या चाहिए, हम गुनाहगार हैं, गुनाहों के पुतले हैं, अगर ये रमजान का महीना हमारे लिए बख्शिश का परवाना देकर जाए तो फिर बस समझो के हमने इससे पूरा फायदा उठा लिया। तो दो बातें फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ईमान के जज्बे के तहत रखे रोजा, ईमानी कैफियत होना चाहिए कि हम अल्लाह का हुक्म है इसलिए रोजा रख रहे हैं, ये आदत की वजह से नहीं रख रहे हैं, मुआशरे की वजह से उर्फ में है सब लोग रखते हैं इसलिए नहीं रख रहे हैं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है इसलिए रख रहे हैं, और सवाब की उम्मीद हो, दिन भर इस्तेहजार रहे, इस पर अल्लाह बहुत अजर अता फरमाएगा, बहुत अजर अता फरमाएगा। फिर कोई दिक्कत होगी ना, उसको भी इंसान बड़ी खुश दिली के साथ गवारा कर लेगा कि कोई बात नहीं, ये जो दिक्कत है, ये भूख प्यास है, ये तो खाली नहीं है, अजर के साथ है। अगर ताजिर को परेशानी होती है तो वो महसूस नहीं करता है, भूख भी महसूस नहीं करता है, क्योंकि उसको महसूस होता है कि फायदा मिल रहा है मुझे। तो ऐसे ही रोजेदार के लिए बात फरमाई, एहतिसाब सवाब की उम्मीद, ये एक जान है, एक अमल की जान है, सवाब की उम्मीद, सवाब की उम्मीद से आप काम करेंगे उसका दर्जा ही कुछ बढ़ जाएगा। वुजू कीजिए लेकिन साथ में ये भी नियत कर लीजिए कि ये गुनाह झड़ रहे हैं, अल्लाह ताला खुश हो रहा है, तो उस वुजू का दर्जा बढ़ जाएगा। ऐसे ही रोजे में ये ईमान और इखलास और अल्लाह के यहाँ अज्र का जो जहन है ये जान पैदा कर देता है रोजे के अंदर, फिर नूर आ जाता है, रूहानियत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। तो ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। ऐसे ही तरावी के बारे में भी यही बात इरशाद फरमाई, मन قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जो रात में रमजान की रातों में नमाज पढ़ेगा, खड़ा होगा अल्लाह के लिए ईमान के साथ सवाब की उम्मीद में, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। अब जब ईमान ही के लिए करना है, अल्लाह ही के लिए सवाब की उम्मीद में करना है, तो फिर कायदे से करेगा, इमाम साहब के ऊपर जबरदस्ती जोर नहीं डालेगा कि आप जल्दी पढ़ाइए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ सवाब मिलने वाला है, वो उसको खुशदिली के साथ कबूल करेगा, जो थक रहा है तो वो जाया नहीं हो रहा, अल्लाह के इसका अजर मिलेगा। तो ये हमारे दिल के अंदर ये आज ही से हमें पैदा कर लेना चाहिए कि इंशाल्लाह जो भी दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, उसको खुशदिली के साथ कबूल करेंगे और पूरे महीने के रोजे रखेंगे इंशाल्लाह, पूरी तरावी पढ़ेंगे। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नत, ये जब रमजान का महीना आता है जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, गुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, और सुक्किदत शयातीन, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए। इशारा है इस बात का कि अगर तुम रोजों से रहोगे, तरावी पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो इंशाल्लाह ये जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, और शयातीन को भी अल्लाह ने कैद कर दिया है कि बहुत आसानी के साथ हम
अमल कर सकेंगे। थोड़ी सी हिम्मत कर ले, इरादा कर ले, बस अपने नफ्स की बात और बची है। शैतान एक रोकता है इंसान को, एक नफ्स रोकता है। एक से तो अल्लाह तबारक व ताला ने खलासी अता फरमा दी हमें, अब नफ्स की बात और रही है, तो अपने नफ्स को और आमादा कर ले इंशाल्लाह, तो बड़ी आसानी के साथ हम अमल कर सकते हैं इंशाल्लाह। कुरान का महीना है, कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ दौर करते थे, कहा ना युआरिज़ु जिब्रील, वो आते थे और युआरिज़ु अलैहिल कुरान, कुरान सुनाते थे, अल्लाह के रसूल भी उनको सुनाते थे। तो कुरान मजीद और सखावत का महीना है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवद अन्नास व काना अजवद मा यकुनु फी रमजान व काना अजवद फी रमजान मिन अर्रीहि मुरसला, फरमाया कि आप सखी थे और रमजान में तो सबसे ज्यादा सखी फैयाज बन जाते, और हवा का तेज झोंका उससे भी ज्यादा आपकी सखावत में तेजी आ जाती है। तो ये सब सारे आदाब के साथ इंशाल्लाह हम माह मुबारक गुजारें और ज्यादा से ज्यादा खैर का काम करें, अपने घर वालों को भी इस बात पर आमादा करें। और ये दर्स इंशाल्लाह ताला 10 मिनट का 15 मिनट का हुआ करेगा इंशाल्लाह, तो आप इसमें शिरकत फरमाएं, दूसरे हजरात को भी इसकी तरगीब दें। और भी मुख्तलिफ मसाजिद में रहता है निज़ाम, आपको जहाँ भी मौका मिले वहाँ तशरीफ ले जाइए, सुनिए और